नमस्कार, वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज उपराष्ट्रपति के होंगे चुनाव, जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अलवा के बीच होगी टक्कर। पचहत्तर स्कूली छात्राओं ने दौड़ती मेट्रो में 75 मिनट में 75 चित्र के पेंट। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में उत्साह के साथ दिया अपना योगदान। और नक्सल सप्ताह की पृष्ठभूमि पर गढ़चिरौली पुलिस बल की कार्रवाई, नक्सलियों द्वारा दफनाई गई विस्फोटक सामग्री जब्त करने में मिली सफलता। विस्तार से देश में आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से जगदीप धनखड़ उम्मीदवार है, वही विपक्ष की ओर से मार्गरेट अलवा खड़ी है। चुनाव और परिणाम आज ही घोषित कर दिए जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव के बाद सबकी निगाहें उपराष्ट्रपति पद पर टिकी है। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अलवा के बीच टक्कर है। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल धनखड़ की जीत सुनिश्चित लग रही है। विपक्षी दलों में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतभेद भी सामने आए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने अलवा के नाम की घोषणा से पहले सहमति नहीं बनाने की कोशिशों का हवाला देते हुए मतदान प्रक्रिया से दूर रहने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में गुरुवार को हुए 271 ग्राम पंचायत चुनावों के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि बीजेपी और उनके नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। गुरुवार को 238 ग्राम पंचायतों में चुनाव बिना पार्टी चिन्ह के हुए, जबकि 33 ग्राम पंचायतों में उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को बहुत ही अलग तरीके से मनाने के लिए नागपुर की 75 छात्राओं ने 75 मिनट तक चलती मेट्रो में 75 चित्रों को चित्रित किया और उनमें स्वतंत्रता उत्सव के रंग भरे। छात्रों द्वारा निकाले गए चित्रों में भरे रंग स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और समर्पण को दर्शाते हैं। इन छात्रों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले, बलिदान देने वाले, अपना जीवन समर्पित करने वाले सभी वीर योद्धाओं को चित्रों और रंगों के माध्यम से नमन किया है। स्कूल के शिक्षकों ने आर्ट के छात्राओं के सामने ये विचार प्रस्तुत किया कि इस बार स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को दौड़ती हुई मेट्रो में एक चित्र बनाकर और इसे स्वतंत्रता के रंगों से भरकर मनाएं। उस समय छात्राओं का उत्साह देखने लायक था। कई छात्राओं ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के समारोह में भाग लेने का महान अवसर पाकर सम्मानित होने की भावना व्यक्त की है। चलती मेट्रो में लगातार 75 मिनट 75 चित्रकार, ये 75 छात्राएं सेंट उर्सुला गर्ल्स हाई स्कूल नागपुर की छात्राएं हैं। 75 छात्राओं ने फ्लूट आर्ट एक्टिविटी और फैब्रिक पेंटिंग के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास को कैनवास पर उतारने की कोशिश की है। याचं वैशिष्ट्य असं आहे की आम्ही या इव्हेंटमध्ये 75 मिनिट मेट्रो रनिंग ट्रेनमध्ये ही फ्लुईड आर्ट ॲक्टिव्हिटी अँड फॅब्रिक आर्ट ॲक्टिव्हिटी घेऊन लेखरन बरोबर करत आहे आम्ही लोक, आणि ह्या 75 लेखर आहे जे रनिंग मेट्रोमध्ये ह्या ॲक्टिव्हिटी करत आहे, कारण की आझादीच्या 75 अमृत महोत्सवमुळे हा ॲक्टिव्हिटी घेण्यात आलेला आहे। आणि आम्ही याच्यामध्ये आमचं लक्ष आहे की आम्ही लिमका बुकमध्ये रेकॉर्ड करायचा, यामध्ये त्यांची भावना, त्याने इंटर पेंटिंगमध्ये त्यांची भावना प्रकट केली आहे की देशाविषयी त्यांचं प्रेम कसं आहे ते रंगमध्ये बदलून त्यांनी टाकलेलं आहे। शिवसेना सांसद
संजय राउत की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ गई है। एक तरफ गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत को 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है, वहीं ईडी ने राउत की पत्नी वर्षा राउत को पूछताछ के लिए तलब किया है। इसलिए संजय राउत के बाद अब उनकी पत्नी वर्षा राउत से भी पत्र मामले में पूछताछ की जाएगी। 6 अगस्त यानी आज वर्षा राउत को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया है। गुरुवार को हुई सुनवाई में ईडी ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि संजय राउत अपने अकाउंट से हुए ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं दे रहे थे। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में जिरह के दौरान ये भी कहा था कि वो उन लोगों को बुलाएगा। राउत के वकीलों ने तर्क दिया था कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थी। वहीं ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को तलब किया है। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। 4 अगस्त को उपविभाग कुरखेड़ा अंतर्गत आने वाले पोमके कोटगुल परिसर के हेटल कसा जंगल परिसर में कोरची LOS, टीपागढ़ LOS व कंपनी क्रमांक 4 के नक्सलियों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बड़ा हादसा करवाने के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में गोला बारूद, विस्फोटक और अन्य सामग्री को दफन कर लिए जाने की गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक सोमय मुंडे इनके नेतृत्व में विशेष योजना बनाई गई। इस योजना के अनुसार जवानों को संदिग्ध जगह पर छिपे विस्फोटक और अन्य सामग्री को खोजने में बड़ी सफलता मिली है। उक्त डम को पानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक बड़ी प्लास्टिक की टंकी में छिपाकर दफना दिया गया था। उसे टैंक में रखे सभी विस्फोटक सामग्री को जब्त कर लिया गया है और मौके पर मिली सामग्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। इसमें से कुछ स्फोटकों से भरा सामान BDDS की मदद से बड़ी सतर्कता से नष्ट किया गया है। इस घटना का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रदर्शन के बारे में पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल, स्पेशल ऑपरेशंस टीम गढ़चिरौली, CRPF 192 बटालियन की यंग प्लाटून और BDDS टीम की सराहना की जा रही है। साथ ही ये भी कहा गया है कि पूरे जिले में नक्सल विरोधी अभियान तेज कर दिया गया है और नक्सलियों से अपील की गई है कि वे नक्सलवाद के हिंसक रास्ते को छोड़कर आत्मसमर्पण कर सम्मानजनक जीवन व्यतीत करें। VKB न्यूज के लिए गढ़चिरौली से गणेश शिंगाड़े की रिपोर्ट। पिछले हफ्ते शनिवार को नागपुर शहर के सीताबड़ी थाना क्षेत्र के रामदासपेट इलाके में SBI बैंक के ATM में चोरी की घटना हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चूंकि आरोपी का कोई सुराग नहीं था, इसलिए पुलिस ने इलाके के 100 से अधिक CCTV कैमरों से सैकड़ों घंटे के फुटेज की जाँच की, तब जाकर पुलिस को आरोपी का सुराग मिला। उसके बाद थाना स्टाफ ने करीब 3 दिन तक आरोपी की तलाश की और उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। गौरतलब है कि आरोपी ने बिना ATM मशीन में तोड़फोड़ किए 5,80,000 रुपए की नकदी लूट की थी।
इस मामले में गिरफ्तार आरोपी का नाम पवन दरवाई है और वो कर्ज में डूबे होने की जानकारी सामने आई है। शनिवार दोपहर एटीएम में चोरी हो गई थी। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोर ने अपनी योजना को अंजाम दिया था। पहले तो किसी को पता ही नहीं चला कि एटीएम में चोरी हो गई है, लेकिन एटीएम में रकम खत्म होने के बाद एटीएम में चोरी का मामला सामने आया। आरोपी पवन दरवाई शराब और जुए का आदी है। वो न केवल कर्ज में डूबा हुआ है, बल्कि उसने शौक पूरा करने के लिए अपनी बाइक और मोबाइल फोन भी गिरवी रख दिया है। पवन ने उसी एटीएम मशीन का दरवाजा खोला और उसमें से 5,82,000 रुपए लूट लिए। हालांकि पुलिस ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया है कि बिना किसी तोड़फोड़ के पैसे कैसे चुराए गए। शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने राज्य सरकार पर वार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र राज्य में आज पूर्ण सरकार नहीं है, सरकार बन के 38 दिन हो गए किंतु मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, अधिकारी काम नहीं कर रहे। शिंदे और देवेंद्र फडणवीस 8 बार दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन बात नहीं बन रही। राज्य में बाढ़ आई हुई है और कोई भी मदद नहीं कर रहा है, जनता परेशान हो रही है। महाराष्ट्र राज्य में शिंदे और फडणवीस सरकार को बन के आज 38 दिन का समय हो गया। केवल दो ही लोग मंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री। कोई कैबिनेट नहीं है, कोई सरकार नहीं है, रस्ते पर सड़क पर कोई प्रशासन नहीं है। और आज तो जो सचिव है हमारे महाराष्ट्र के, उनको सभी मंत्रियों के अधिकार दे दिए गए। कितनी हैरानी की बात है कि एक तरफ आप कहते हैं फ्लोर टेस्ट पे कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, हमारे पास सरकार बनाने के लिए सभी योजना मौजूद है, लेकिन आप सरकार नहीं बनाते। दूसरी तरफ हमारे यहाँ मानसून सत्र चल रहा है, जुलाई में इसे खत्म करना होता है, अगस्त का महीना शुरू हो गया, सत्र कोई बुला नहीं रहा, किसानों की स्थिति दर बदर दयनीय होते जा रही है। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि महाराष्ट्र कोई मालिक है, कोई यहाँ का हमारा है सरकार कि नहीं। हमने आपको क्यों चुन के दिया था? आपने एक चुनी चुनाई सरकार को गिरा दिया, ये कह के कि इसके पास बहुमत नहीं, हमारे पास है। आपने सरकार बना ली और राज्यपाल साहब ने भी उसमें आपको मदद की, लेकिन अभी राज्यपाल साहब का पता नहीं, सरकार का पता नहीं, प्रशासन का पता नहीं, जमीन पर किसी काम का पता नहीं। जनता जाए तो जाए कहां? इसका जवाब आपको देना होगा। आप बार बार दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली से कहिए कि हमें ग्रीन सिग्नल दे। दिल्ली क्यों नहीं दे रही आपको ग्रीन सिग्नल? तो वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।